एग्जाम्पल है, सबसे पहले क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पर 10 kg का मास है, कुछ भी पॉइंट मास है, वैसे तो ई प्लैनेट्स का होता है पर अपने एग्जाम्पल के लिए छोटे मास दे रहा हूँ, तो 10 kg है, तो ई 10-10 किलो के, मतलब आप 10 किलो सेब ले आओ, कहोगे ई कितना है यार, नहीं है ऐसे, नहीं क्वेश्चन होता, प्लैनेट्स का होता है, पर मैं एग्जाम्पल समझाने के लिए थोड़ा छोटा ले रहा हूँ, मुझे लिखना बहुत बड़ा पड़ता है, वो 5 × 10^24 kg कौन लिखा है इतना बड़ा, इसलिए छोटा मास ले रहा हूँ, ठीक है। 10 kg का मास है और यहाँ पर 8 kg का मास है। क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है जो कि ये 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, मुझे इस पॉइंट पर क्या निकालना है, नेट ई निकालना है, मुझे इस पॉइंट पर नेट ई निकालना है। अब यहां पर ई निकालना है, ई लगाया किसने, यहां पर जो मास पड़ा होगा वो अपने ऊपर ई तो लगाता नहीं है, कोई भी पॉइंट मास अपने ऊपर ई नहीं लगाता, आस पड़ोस के मासेस इसके ऊपर ई लगाते हैं, जैसे 10 kg का मास यहां पर ई लगाएगा और ऐसी 8 kg का मास यहां पर ई लगाएगा, ठीक। जैसे फोर्स है, 10 kg का मास इस पे फोर्स लगाएगा, ऐसी 8 kg का मास इस पे फोर्स, बस फोर्स की जगह ई बोल दिया। जहां पे ई निकालना है वहां कुछ मास नहीं गिवन तो कोई बात नहीं, आप कितना मास ले लें, बाय डिफॉल्ट 1, बताया मैंने, मास नहीं भी देगा वो चलेगा, चाहिए ही नहीं, और अगर गलती से दे भी दिया 3 kg मैं लूंगा ही नहीं, 3 kg का काटा मार के क्या लिख लूंगा 1, क्योंकि जहां ई निकालना है वहां पर 1 मास लेना है, क्लियर है यहां तक, तो मुझे चाहिए ही नहीं है, तो जहां ई निकालना है वहां +1 ही चाहिए या 1 चाहिए। अब रूल वही है, 10 kg का मास इसे अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, फोर्स अगर अट्रैक्टिव है तो ई भी अट्रैक्टिव है, तो बोलो ई कितना लगाएगा, जी 10/5² क्या ये पॉइंट क्लियर है, फोर्स में 2 मास थे, ई में 1 ही मास है, क्लियर है। उसी तरीके से 8 kg इसे अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, फोर्स अट्रैक्टिव है तो E की वैल्यू भी अट्रैक्टिव है, g × 8/5², नेट E की वैल्यू क्या आएगी, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कर देना है इसमें, माइनस, तो आंसर न्यूटन पर केजी में आंसर निकाल लेना, आंसर ये तो बिल्कुल फोर्स की तरह ही तो है, उल्टा फोर्स से भी आसान है, फोर्स में फिर भी 2 मास है, इसमें तो कम से कम 1 मास 1 तो हुआ, सेम है, बिल्कुल सेम है, जो रूल सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के हमने फोर्स में किए वही रूल किस में कर रहे हैं, ई में कर रहे हैं, तो समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन में गिवन है, एक मास गिवन है 10 kg, ये मास गिवन है 3 kg और ये मास गिवन है 2 kg, और ये डिस्टेंस है 5 मीटर, ये डिस्टेंस है 5 मीटर, ये लो, इसमें मुझे यहां पे नेट ई निकालना है। अब सारे वेक्टर कहां बनेंगे, 2 kg पे, अब फोर्स की तरह ही तो है, अब पॉइंट ये है कि यहां पर मुझे मास 2 kg गिवन है पर मुझे यहां ई निकालना है, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं इसको काटा मार के अपने मन में क्या लिख लूंगा, 1, बात ही खत्म, 1, जहां ई निकालना है वहां 1, तो 3 kg इसे अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो ई भी अट्रैक्टिव होगा, g × 3/5² और उसी तरीके से इसके अंदर 10 kg इसे अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो 10 kg का ई भी इस तरफ होगा अट्रैक्टिव, g × 10/10² नेट ई क्या होगा, इन दोनों को क्या कर लेना है आपने, ऐड कर लेना है, ऐड करके आंसर निकाल लेना, न्यूटन पर केजी में आंसर आएगा, डन। ये तो बिल्कुल सेम कॉपी है फोर्स की, बस जैसे फोर्स है वैसे ही ई की वैल्यू निकलती है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि ई की वैल्यू नेट कैसे निकलेगी, ठीक है। दो टाइप की बड़ी फेमस प्रॉब्लम आ जाती है इसमें, फोर्स में भी आती है और ई में भी आती है, क्या आती है, जैसे सपोज करो आपको ये 10 kg मास गिवन है, आपको ये 8 kg मास गिवन है, और आपको इस क्वेश्चन के अंदर कभी कभी ये डिस्टेंस गिवन होगा, जैसे ये डिस्टेंस 15 मीटर है, कुछ भी ले लेते हैं, क्वेश्चन है कि बताओ मैं यहां पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना चाहता हूं जहां पर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0, तो वो पॉइंट बताओ मुझे इसके लाइन के ऊपर जहां नेट फोर्स 0 हो जाए, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है x, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 − x, ठीक है यहां तक, 15 − x। अब नेक्स्ट यहां पर मुझे फोर्स निकालनी है ना, या मास तो है ही नहीं, मन में सोच लो यहां पर मास कितना है, m लेना पड़ेगा ना, e थोड़ी ना कि 1 ले लेंगे, m ले लेते हैं, 2 मास तो चाहिए होते हैं।
अब मुझे यहां पर इसके ऊपर नेट फोर्स क्या चाहिए, जीरो, तो ये मास इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट। कितनी फोर्स से, ये प्रॉब्लम किसकी है, फोर्स की, तो फॉर्मूला किसका लगेगा, फोर्स का। तो ये मास इस एम को अट्रैक्ट करेगा 10 इंटू एम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से 8 केजी का मास इसे अट्रैक्ट करेगा जी 8 इंटू एम डिवाइडेड बाय 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब वो क्या चाह रहा है कि नेट फोर्स यहां पर क्या हो जाए, जीरो। नेट फोर्स जीरो कब होगी, जब ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और वैल्यूज बराबर हो जाएंगी, बराबर होंगी तो एम से एम कैंसिल, जी से जी सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आएगी। तो ऐसे नेट फोर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये प्रॉब्लम ग्रेविटेशन की है कहां, ये तो प्रॉब्लम वेक्टर की चल रही है मेरे को लगता है, जो वापस से वेक्टर पे आ गए हम लोग। ग्रेविटेशन का तो फॉर्मूला बता के न्यूटन चलता बना, अब करते रहो वेक्टर साथ में। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब सेम प्रॉब्लम अगर मैं ये पूछूं, इस क्वेश्चन में सेम प्रॉब्लम है कि मान लो 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, ये 8 केजी का ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में डिस्टेंस फिर से 15 मीटर है, टोटल 15 मीटर डिस्टेंस है। मुझे अब डिस्टेंस ढूंढना है एक्स सच दैट नेट ई की वैल्यू यहां पर क्या हो जाए, जीरो। तो मान लो ये वो पॉइंट है जहां पर ई जीरो है, जहां पर ई निकालना है, अब मास नहीं चाहिए, वहां पर क्या मान लिया, वन, जहां ई निकालना है वन मास ले लिया। तो ये 10 केजी इस 1 केजी को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो कितना ई लगाएगा, ई की वैल्यू आएगी जी इंटू 10 बाई एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से ये 8 केजी भी इसे अट्रैक्ट करेगा, तो ई की वैल्यू क्या आएगी, जी इंटू 8 डिवाइडेड बाई 15 माइनस एक्स का स्क्वायर। नेट ई जीरो करने के लिए दोनों वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, इक्वेट, आंसर निकाल लेना। सेम ही तो है, फोर्स में जबरदस्ती मास एम लिया वो कट गया, ई में मान लिया तो वैसे कट गया, बात ही खत्म। देखा जाए एफ और ई कैलकुलेट करने में ज्यादा अंतर है ही नहीं, न्यूमेरिकल सेम ही चल रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है, बस एक ही चीज का फर्क है, मास वन का, बस फोर्स में मास दो लेने पड़ते हैं, ई में वन है। ठीक, तो अगर आप अपने असाइनमेंट पे वापस चलें, तो ये मैंने एग्जांपल दे दिया, अगर ये m1 m2 है, इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो मुझे x बताना है ताकि नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाए, जीरो। तो मान लो ये पॉइंट है जहां पर आपने इमेजिन कर लिया कि मास m पड़ा हुआ है, जहां नेट फोर्स जीरो है, तो m1 इसे अट्रैक्ट करेगा, m2 इसे अट्रैक्ट करेगा, फोर्स का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि मुझे नेट फोर्स जीरो करनी है। तो ये वैल्यू इसके इक्वल कर देते हैं, इक्वल करके जो एक्स आएगा वो आंसर हो जाएगा, तो होगी नेट फोर्स जीरो की आज हमने। उसी तरीके से फिर से एक्स निकालो, पर इस बार नेट ई क्या हो जाए, जीरो। तो फिर से वही सेम, अब बस मास एम की जगह वन ले लिया, तो ये एम वन यहां पर ई लगाएगा, एम टू यहां पर ई लगाएगा, नेट ई करने के लिए दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। सेम चीज कर रहा हूं, कोई डिफरेंस नहीं है। आगे आपके एग्जाम्पल्स में फिर से वैसे एग्जाम्पल्स हैं, अगर आपके पास 200, 400, 300 किलो के मासेज हैं, पॉइंट मासेज हैं, और आपको क्या करना है, नेट फोर्स M3 पे निकालना है, हमने डिस्कस किया, जब फोर्स M3 पे निकलेगी तो सारे वेक्टर M3 पे लगेंगे, आज किया हमने ये केस, तो M2 M3 को अट्रैक्ट करेगा और M1 M3 को अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स क्या होगी, बड़ी में से छोटी फोर्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस, आज हमने कर लिया ये भी। तो ये समझाने के एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने आपको इजी एग्जाम्पल से समझा दिया है सारा, जैसे ये रहा, और इस पोजीशन, इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे अगर तीन मासेज हैं, तीन मासेज में से मुझे नेट फोर्स अब M2 पे निकालनी है, तो सारे वेक्टर किस पे बनेंगे, M2 पे बनेंगे, तो दोनों वेक्टर को ऐड कर देंगे, आज हमने कर लिया ये भी, तो एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे यहां पे नेट फोर्स निकालनी है, तो सारे वेक्टर किस पे बनेंगे, M1 पे बनेंगे, तो ये और ये इसे अट्रैक्ट करेंगे, इन्हें ऐड कर लेंगे, ये भी हमने कर लिया, तो सेम चीज है जो आज मैंने बताई आपको। उसी तरीके से मान लो M1, M2 और M3 तीन मासेज हैं, मुझे M3 के ऊपर क्या निकालना है, नेट ई निकालनी है। अब M3 मास गिवन है, पर अगर मुझे नेट ई M3 पे निकालना है, तो भूल जाओ, इसका मास क्या ले लो, 1। ठीक है, नेट ई निकालना है, तो जहां ई निकालना है वहां पर तो मास 1 लेना ही पड़ेगा। तो ये मास इसे क्या करेगा, ई लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा, ये मास इसके ऊपर ई लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा। नेट ई निकालने के लिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस। तो ये एग्जांपल्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको भी बता दिए कि कैसे वेक्टर्स लेने और कैसे एफ और ई में डिफरेंस होगा। ठीक है यहां तक?